एक वृद्ध संत ने अपने जीवन के अंतिम घड़ियों को नजदीक देख अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम बच्चों को 4 कीमती रत्न दे रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम इन्हें संभाल कर रखोगे तो पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन आनंदमय तथा श्रेष्ठ बना पाओगे। पहला रत्न है माफी। हमारे लिए कोई कुछ भी कहे, हमें उसकी बात को कभी अपने मन में नहीं बिठाना है और ना ही उसके लिए कभी किसी प्रतिकार की भावना मन में रखना है, बल्कि उसे माफ कर देना है। दूसरा रत्न, भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना। कभी भी उस किए गए उपकार का प्रतिलाभ मिलने की उम्मीद अपने मन में नहीं रखना। तीसरा रत्न है विश्वास का। हमें अपनी मेहनत और उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उस सृष्टि नियता के विधान में नहीं लिखा होगा। परमपिता परमात्मा पर रखा गया विश्वास ही हमें अपने जीवन के हर संकट से बचा पाएगा और सफल कर पाएगा। चौथा रत्न है वैराग्य। हमेशा यह याद रखें कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना ही है। इसलिए किसी के लिए अपने मन में लोभ या मोह ना रखें। जब तक तुम ये 4 रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे, तुम खुश और प्रसन्न रहोगे। सत्य कथन यही है कि जीवन को सुखी बनाना है तो उपरोक्त युक्ति को ही अपनाना होगा। जिस किसी पिता ने अपने पुत्रों को या पुत्रियों को ये 4 रत्न दिए होंगे, उनका तो भला होगा, और जिन्होंने यह काम नहीं किया है, उनकी तरफ से यह काम मैं आप सबके बीच बांट रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको सही मार्ग दिखाएगा। धन्यवाद।